सिंधु देश का एक राजा था जिसका नाम था दीर्घबाहु। वो एकदम अन्यायपूर्ण जीवन जीता था। इतना दुष्टात्मा था ना वो, वैश्याओं के संग में रहता था। उसने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं कर दी थी, कितनी गर्भ स्त्रियों का वध कर दिया था। शिकार खेलते समय अपने बाणों से कपिला गायों की भी हत्या कर दी थी उसने। एक दिन वो ना अपने घोड़े पे चढ़ के वन में गया शिकार के लिए। वहां क्या हुआ, किसी मंत्री ने मतलब राज्य के लोभ से ना उस राजा को तलवार से मार डाला। अब तो जब वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ, यमराज उसको ना बांध के यमपुरी ले गए। तो जब यमराज के सामने वो पहुंचा, यमदूत लेके गए, तो चित्रगुप्त से पूछा कि इसके लिए कौन सी यातना है, इसको कौन सा दंड देना चाहिए। चित्रगुप्त क्या कहता है कि महाराज, इसको तो 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए, जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं तब तक ये नरक भोगता रहे। अरे इसने तो भारत वर्ष में जन्म लेकर ना एक क्षण भी पुण्य का काम नहीं किया। इसने कितनी स्त्रियों की हत्या कर दी, गायों की हत्या कर दी, इसके तो हजारों की संख्या में तो इसके पाप हैं। ये तो इसकी निंदा तो महाराज देवता भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, तो ये तो महान पापी है। अब क्या हुआ, अब तो यमदूतों ने क्या किया, उसको कुंभीपाक नरक में ले गए, जो इतना हजार योजन विशाल था। विशाल कढ़ाइयां थी जो तपा हुआ तेल एकदम भरा हुआ खोलता हुआ, उसमें से फैन उठ रहे थे। यमदूतों ने उस पापी को ना उसी कुंभीपाक में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहां की जो अग्नि है ना एकदम शीतल हो गई, बर्फ जैसी हो गई, जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में फेंकने पर वो शीतल हो गया था, है ना। ऐसे उस पापी को नरक में गिराने से वहां की जो आग थी, तो जो ज्वाला थी, वो शांत हो गई। यमदूतों ने उसी समय ऐसी विचित्र घटना देखी, एकदम चौंक गए, और चित्रगुप्त के साथ वो यमराज के पास गए और सोचने लगे, अरे इसने तो कोई पुण्य भी नहीं किया है महाराज, ये ऐसा कैसे हो गया मतलब। तो अब वहां पे व्यास देव जी पधारे। यमराज कहते हैं कि प्रभु, इस पापी ने कभी कोई पुण्य पाप पुण्य नहीं किया है, इतना तेलता हुआ खोल, जिस तेलता हुआ जो खोलता हुआ तेल था, इसमें फैन उड़ रहे थे, इसको हमने डाला तो वहां की तो अग्नि इतने एकदम शांत हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कोई ऐसा पुण्य है। व्यास जी कहते हैं कि हाँ, इसका एक बहुत बड़ा पुण्य है जिस पुण्य से ये शुद्ध हुआ है। सुनो, जहां इसको किसी ने मारा था ना, वहां किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी पड़ी हुई थी, और वो मिट्टी ना इससे स्पर्श हो गई, वहीं इस पापी की मृत्यु हुई है, तो ये पापी शुद्ध हो गया है। वो मिट्टी कौन सी थी, गोपी चंदन। अरे गोपी चंदन लगाने वाला तो नर से नारायण हो जाता है, उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्म हत्या कैसी भी पापी हो सब छूट जाता है। तो जहां गोपियों ने निवास किया था, उस निवास स्थान को बोलते हैं गोपी भूमि, जहां गोपियों के अंगराग से उत्पन्न गोपी चंदन उपलब्ध होता है। जो अपने अंगों में बंधुओं गोपी चंदन लगाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है, है ना। जो गोपी चंदन का तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है, सब तीर्थों का सेवन दान कर लिया आपने, कितने व्रतों का अनुष्ठान कर लिया, लेकिन गोपी चंदन नहीं लगाया ना, सब बेकार। इतनी महिमा है गोपी चंदन की कि गंगा की मिट्टी से दोगुना पुण्य चित्रकूट की रज का माना गया है, उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज का है, उसकी अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य बंधुओं गोपी चंदन की रज का है।
गोपी चंदन को तुम वृंदावन की रज के समान ही समझना, है ना। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो वो तो सैकड़ों पापों से भी युक्त हो ना, फिर भी उसे यमराज अपने साथ नहीं ले जा सकते, फिर यमदूतों की तो बात ही क्या है ना। तो हम कितने भी पापी हों, पापी होने पर भी जो लोग प्रतिदिन गोपी चंदन लगाते हैं, द्वादश तिलक धारण करते हैं, वो भगवान श्री हरि हैं, उनके गोलोक धाम में वास करते हैं, जहां प्राकृत गुणों का तो प्रवेश ही नहीं है, है ना। तो हमें हमेशा गोपी चंदन लगाना चाहिए, इतनी महिमा है बंधुओं गोपी चंदन की, है ना।